गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइफ 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 16 जून 2020 और आज हम लोग 16 जून का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेटस होंगे उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? When is World Elder Abuse Awareness Day celebrated? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 15 जून को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 15 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है यानी वर्ल्ड इल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे है, इस डे को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए। और इस दिवस को पहली बार मनाया गया था 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। फ्रेंड्स, वर्ष 2020 के लिए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का थीम क्या है? इस दिवस का थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेज। क्या है? लिफ्टिंग अप वॉइसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक सुरक्षा वेतन खाता खोलने की घोषणा की है? विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ अ सिक्योरिटी सैलरी अकाउंट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज? तो ये है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक सुरक्षा वेतन खाता खोलने का घोषणा किया है। अभी देश में हुए लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है एमएसएमई पे। फ्रेंड्स, एमएसएमई है जो बड़ी संख्या में श्रम शक्ति को रोजगार देती है और इन्हीं के लिए अभी एयरटेल पेमेंट बैंक है जो सुरक्षा वेतन खाता खोलेगी। इस सुरक्षा वेतन खाता के माध्यम से जितने भी एमएसएमई है या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है वे कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रीच मरियाना ट्रेंच? तो यह है कैथरीन डी सुलिवन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी कैथरीन डी सुलिवन है जो मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। फ्रेंड्स, ये नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री भी रह चुकी है और ये महासागर के सबसे गहरे बिंदु मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने में सफल हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू? तो ये एक अभिनेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी जाने माने बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत 2013 में फिल्म कायपोछे से की थी और इसके बाद इनकी एक फिल्म आई थी 2016 में जिसके लिए काफी प्रसिद्ध हुए थे और फिल्म का नाम है एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट सिख वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम द यूएस मिलिट्री एकेडमी? तो ये है अनमोल नारंग। तो इसका आंसर हो जाएगा टी। अभी अनमोल नारंग पहली महिला सिख बनी है जिन्होंने अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना की जांच और उपचार के बारे में निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर प्राइवेट लेबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल्स रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना? तो यह है तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है और इस गाइडलाइंस को जारी किया गया है कोरोना की जांच और उपचार के बारे में
निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों के लिए। इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितनी भी प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं, उन सभी लेबोरेटरीज में कोरोना की जो जांच की जो कीमत होगी वो 2200 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। और इसके साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और इन सभी हॉस्पिटलों में जो भी कोरोना संक्रमित पेशेंट हैं, उन सभी को अगर वे वेंटिलेटर के विदाउट रह रहे हैं तो उनको 7500 से ज्यादा पे नहीं करना होगा। वे अपने दैनिक इलाज के खर्च के रूप में 7500 से अधिक पे नहीं करेंगे। अब इस गाइडलाइंस को जारी किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, तो हम लोग तेलंगाना से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। अब हम जानते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 जून 2014 में। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। और अभी प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और अभी प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिली साई सौंदर राजन। क्या नाम है उनका? तमिली साई सौंदर राजन। तेलंगाना में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 120। तेलंगाना में लोकसभा का सीट कितना है? 17। और तेलंगाना में राज्यसभा का सीट कितना है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार? तो ये है पंकज त्रिपाठी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार के द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार का फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912 में। बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। बिहार में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 38। और अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 243। बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 75। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? 40। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिव्यांगजनों के उपकरणों के वितरण के लिए पहले वर्चुअल शिविर का शुभारंभ किया है? Who has recently launched the first virtual camp for the distribution of equipment to PWDs? तो यह है थावर चंद गहलोत, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत जी के द्वारा दिव्यांगजनों के उपकरणों के वितरण के लिए पहले वर्चुअल शिविर का शुभारंभ किया गया है। और इस कैंप को लॉन्च किया गया है पंजाब के फिरोजपुर में। दिव्यांगजनों के लिए जितने भी इसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी को इस कैंप में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है? व्हेन इज ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 15 जून को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रत्येक वर्ष 15 जून को हम लोग ग्लोबल विंड डे मनाते हैं। अब इस डे को मनाया क्यों जाता है? तो इस डे को मनाया जाता है पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, इस दिवस का शुरुआत किया गया था 2007 में, और कहाँ किया गया था? यूरोप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों के सत्यापन का आदेश दिया है? Which state government has recently ordered the verification of teachers appointed in all government schools? तो ये है उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें राज्य के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उसमें नियुक्त अध्यापकों का वेरिफिकेशन किया जाए। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस वेरिफिकेशन से पता चल पाएगा कि किसका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है और किसका सही। अब इस ऑर्डर को जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 403। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है? 31।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस आपदा से देश को उबरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने की घोषणा की है। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द रीओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द कंट्री फ्रॉम द कोरोना वायरस डिजास्टर। तो ये है फ्रांस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी कोरोना वायरस आपदा के कारण सारे देश के अर्थव्यवस्था पे काफी गहरा प्रभाव पड़ा है, और इसी को देखते हुए अभी फ्रांस देश के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस आपदा से देश को उबरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने का घोषणा किया है। इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको खोलने का आदेश दिया है, और इसके साथ ही साथ यहाँ के सारे स्कूल भी खोले जाएंगे। अब इस घोषणा को किया गया है फ्रांस देश के राष्ट्रपति के द्वारा, तो हम लोग फ्रांस से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रांस का लैंग्वेज कौन सा है? फ्रेंच। और अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुएल मैक्रोन। और अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इडॉर्ड फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी एन सोमना का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली सी एन सोमना हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी लेफ्टिनेंट जनरल सी एन सोमना का निधन हो गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? सी एन सोमना, और ये एक लेफ्टिनेंट जनरल थे। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू की है? रिसेंटली विच सिटी पुलिस हैज स्टार्टेड स्त्री प्रोग्राम फॉर वुमेन। तो इसका ऑप्शन था पटना, लखनऊ, हैदराबाद और चंडीगढ़। तो ये हैदराबाद, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी हैदराबाद शहर की पुलिस के द्वारा एक कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है, और उस कार्यक्रम का नाम क्या है? स्त्री, जो महिलाओं के हित के लिए स्टार्ट किया गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने सर्वसम्मति से राजनीतिक मानचित्र को फिर से बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? Which country's parliament has unanimously passed a bill to recreate the political map recently? तो इसका ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।